अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट वैसल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट डायरी। साबिक कौमी कप्तान रमीज राजा ने लंबे बालों का राज फाश कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और नामवर कमेंटेटर रमीज राजा ने अपने लंबे बालों के राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि इनके सर पर घनापन कम हो रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जब इनसे पूछा गया कि आपकी लुक में तब्दीली आई, वज़न भी कम हो गया जबकि लंबे बाल भी रख लिए, तो इसकी वजह क्या है? रमीज राजा के मुताबिक वो अपनी ज़ाहरी साख पर तवज्जो देते हैं। दरहकीकत इनके सर पर बाल कम हो रहे थे, जिस पर वो बाद चीज़ों के अख्तियार करने के बारे में सोचने लगे। रमीज राजा ने कहा कि वो अपनी डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं और रोज़ाना एक्सरसाइज को तरजीह देते हैं, यही वजह है कि मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है। रमीज राजा का शुमार दुनियाए क्रिकेट के टॉप कमेंटेटर्स में होता है। अगर कहा जाए कि रमीज राजा दुनियाए क्रिकेट की कमेंटेटर में एक बेताज बादशाह है तो गलत नहीं होगा। रमीज राजा ने पाकिस्तान का नाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रोशन किया है। ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में रमीज राजा ने चैम्पियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान टीम को प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान टीम का फाइनल इंडिया के साथ होगा और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और यही हुआ कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रहा और यूँ रमीज राजा की कही हुई बात सच साबित हुई। आप देख रहे थे क्रिकेट डायरी चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।